अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुह। उम्मीद है सब बहने ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज हमारा सवाल ये है कि अगर कभी किसी भी उज़र की वजह से किसी की नमाज का वक्त गुजर जाए, जैसे असर की नमाज ना पढ़ सके और सूरज ग़ुरूब हो जाए, तो फिर हम असर को कब पढ़ें? क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि उसी दिन आप उसको पढ़ सकते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि अगले दिन जब असर की नमाज आप पढ़ेंगे उसके साथ आप इस असर की नमाज को कज़ा करके पढ़ें। तो अब हमने करना क्या है? तो हम देखते हैं कि कुरान और हदीस इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। यकीनन हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने नमाज मुकर्रा वक्त पर अदा करने का ही हमें हुक्म दिया है, जैसा कि कुरान पाक में है ना कि फ़ाइज़ा तुमअन्नतुम फ़अक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबं मौकूता। किताबं मौकूता, किताबन यानी फ़र्ज है। कब फ़र्ज है? लिख दी गई है, अल्लाह ताला ने लिख दी है। कब लिख दी है? मौकूता यानी मुकर्रा वक्त पर। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि फिर जब तुम बेखौफ हो जाओ यानी इत्मीनान में आ जाओ तो नमाज कायम करो। बिला शुबा नमाज हमेशा से ईमान वालों पर ऐसा फ़र्ज है जिसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है। तो इसलिए सबसे पहली कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि हम मुकर्रा वक्त पर पढ़ें। लेकिन कभी कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा उज़र और भी आ जाता है, कभी कोई सफ़र की वजह से हमारी नमाज लेट हो जाती है, तो फिर भी हमें उसके आखिरी वक्त में भी उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने सूरज तुलू होने से पहले फजर की एक फ़र्ज रकात पढ़ ली तो इसने नमाज को उसके वक्त में पा लिया। और इसी तरह असर के बारे में भी है कि जिसने असर की एक रकात को सूरज ग़ुरूब होने से पहले पा लिया तो गोया उसने असर को उसके वक्त में पा लिया। तो इसलिए सबसे पहले तो हमारी हत्तल उम्कान कोशिश ये होनी चाहिए कि हम नमाज को वक्त के अंदर ही अदा करें। क्योंकि आपको पता है ना, नमाज असर की तो बहुत ज़्यादा अहमियत आई है अहदीस में। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी गोया उसका घर बार सब कुछ तबाह हो गया। अल्लाह अकबर। और अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें ना, ज़रा नज़र दौड़ाएं, तो हमारा ज़्यादा घर से निकलना कब होता है? असर के वक्त, यानी कि ठंडे में चलेंगे, गर्मी का मौसम है तो ज़रा ठंडा हो जाए मौसम, फिर चलेंगे। और अगर हमने किसी को घर पे बुलाना है, कोई टी पार्टी करनी है, तो हम कहते हैं जी शाम को आ जाएं जी असर के टाइम। और अगर हमने अपने बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए देना हो, उनका स्नैक टाइम करना हो, तो भी हमें होता है जी असर के टाइम। तो असर का वक्त जो है ना, हमने बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखा हुआ है, क्योंकि हमें इस नमाज की अहमियत ही नहीं पता। आप खुद सोचें कि सब कुछ तबाह हो, बर्बाद हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? और छोटी सी ये नमाज होती है, और मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो है ना, बाकी नमाजें फिर भी वक्त पर अदा कर लें, लेकिन असर की नमाज मोस्टली लोगों की लेट हो जाती है। इसलिए सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि अपने असर की नमाज को वक्त पर अदा करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हदीस में भी है ना कि ये मुनाफिक की निशानियों में से है कि जो जानबूझकर असर की नमाज लेट करता है, जब सूरज ग़ुरूब होने को आता है तो जल्दी जल्दी ठोंगे मारता है, जबकि अल्लाह को उसकी नमाज की कोई परवाह नहीं है। अब उसका पढ़ना या उसका ना पढ़ना बराबर है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें बचाए कि हमारे अंदर मुनाफिकों की कोई भी खसलत हो। अच्छा चलें, ये तो होगी ना दूसरी बातें। अब हम आते हैं अपने सवाल पे कि वाकई अगर किसी का उज़र सही है और उसकी वजह से उसकी नमाज रह जाए, तो फिर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें दो तरीके मिलते हैं। पहला तरीका तो ये मिलता है कि अगर सूरज ग़ुरूब हो चुका तो पहले असर पढ़ लें और फिर मगरिब की नमाज़ अदा कर लें, या फिर ऐसा शख्स पहले नमाज मगरिब अदा करे और फिर इसके बाद असर अदा करे। क्योंकि इन दोनों तरीकों पे हमें अहादीस मिलती हैं। अच्छा, इसकी दलील देख लेते हैं हम। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1425 है कि शतीर बिन शकल ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहज़ाब के दिन फरमाया कि उन्होंने हमारी दरमियानी नमाज यानी असर की नमाज से मशगूल रखा। अल्लाह ताला उनके घरों और कब्रों को आग से भरते। फिर आपने इसे रात के दोनों नमाजों मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ा। क्यों भला? देखें ना, मगरिब का वक्त तो जा रहा था ना,
इसलिए आखिरी वक्त में पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब पढ़ी और फिर उसके बाद असर की कज़ा पढ़ी और फिर उसके बाद इशा पढ़ ली। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर फ़र्ज़ नमाज कोई हम पढ़ने लगे हैं तो पहले हम उसको पढ़ लें, उसके बाद कज़ा नमाज पढ़ लें साथ। या फिर हमें एक और हदीस भी मिलती है, सही बुखारी की हदीस है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वे खंदक के मौके पर एक मरतबा सूरज ग़ुरूब होने के बाद आए और वो कुफ्फारे कुरैश को बुरा भला कह रहे थे और आपने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, सूरज ग़ुरूब हो गया और नमाज़े असर पढ़ना मेरे लिए मुमकिन ना हो सका। तो फिर इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मैंने भी नहीं पढ़ी। फिर हम वादी बतहान में गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज के लिए वज़ू किया, हमने भी वज़ू किया। इस वक्त सूरज डूब चुका था, तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर पढ़ाई, उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ी। तो हम दोनों तरीक़ों से नमाज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना कि अब हम जो हमारे यहाँ तरीका राइज है कि अगले दिन जो नमाज यानी कज़ा हुई है तो अगले दिन जब उस नमाज का वक्त होगा तो उसके साथ कज़ा करके पढ़ें। पता नहीं हमारी कितनी ज़िंदगी है, अगर उसी दिन अल्लाह ताला ने हमें सजदे की तौफीक दे दी है तो अपनी पिछली नमाज को साथ ही मुकम्मल करें, अगले दिन पर ना छोड़ें। भरोसा ही नहीं है, रात को हम सोएं और सुबह हमारी आँख खुले या ना खुले। उम्मीद है सबको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलें जी, मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले सवाल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।